अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैर वाफिया से होंगे। ईद की छुट्टियों में हम कलर कहार, वादी सोन और खेवड़ा जो नमक की कान है उसके लिए गए थे। इसके अंदर हम आपको शॉर्ट क्लिप्स दिखाएंगे, जो जो जगह हमने घूमी बहुत ही इंजॉय किया, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करना। इस सफ़र में हम चार लोग थे, मैं और मौलाना रूहानी आमिल तनवीर उल हक साहब, भाई जाफ़िर साहब और भाई डॉक्टर अरशद साहब। हम चारों सुबह निकले थे, एक रात और दो दिन का ये हमारा सफ़र था, बहुत इंजॉय किया। आप मज़ीद वीडियो क्लिप देखें इंशाल्लाह। ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था, अनजाना था, इसलिए रास्ते में जगह जगह स्टॉप करते हुए, पूछते हुए और गूगल पे सर्च करते हुए, मैप का इस्तेमाल करते हुए हम जो मशहूर मशहूर जगह थी विज़िट की वहाँ पहुँचे। इस दिन मौसम बहुत सुहाना था, ईद का तीसरा दिन था, ठंडी हवा, प्यारा मौसम, धूप बिल्कुल नहीं थी। रास्ते में मज़ारों की, दरबार की भरमार थी, जगह जगह दरबार थे। ये पहला दरबार था, ये दूसरा दरबार। आगे चलते हुए रास्ता पूछते हुए जगह हम पहुँचे और इस जगह चश्मे भी थे, मस्जिद भी थी, नमाज पढ़ी हमने, खूब इंजॉय किया। ये मस्जिद है और ये दरबार एक और दूसरा, इसके पीछे एक और दरबार है इस तरफ, ये देखें ये दूसरा है। और फिर एक जगह दरख्त के ऊपर बहुत सारी कपड़े गंदे लटके हुए थे, वहाँ लोग आके अल्लाह माफ़ करे अपनी मदद मुराद पूरी कराने की कोशिश करते हैं, जहालत है बिल्कुल लोगों की। ये पता नहीं सुल्तान साहब थे जिनका ये मज़ार था, हो सकता है वो नेक आदमी हों, लेकिन लोगों ने उनके दरबार के ऊपर ये हशर कर रखा था। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। ये जो पहला वाला दरबार है हज़रत महमूद शाह का, इसके ऊपर लोग आ रहे थे और ऐसा अदब कर रहे थे कि इतना ज़िंदा आदमियों को भी नहीं करते। और फिर ये जगह जो थी मोटरसाइकिलों से ये पार्क थी भरी हुई, लोग आए हुए थे। यहाँ ऊपर हम गए, यहाँ चिल्लागाह थी, इस जगह चश्मे थे, बहुत खूबसूरत जगह थी। रल जाते हुए खूब इंजॉय किया, आते हुए हम रोते हुए आए क्योंकि सफ़र काफ़ी वापसी पे चढ़ाई का था, मुश्किल सफ़र था, बहुत देर लगी वापसी। कोई वो मिल साहब आ रहे ने, पीछे डॉक्टर साहब ने, ते पीछे जाफर साहब ने, माशाल्लाह। कल के डॉक्टर आज के बने मरीज। तो इस जगह आप जाएं तो ज़रूर इन चश्मों का विज़िट करें, नाम उस जगह का मेरे जहन से निकल गया है, चिल्लागाह के नाम से ये जगह मशहूर थी। भरा रास्ते में जाते हुए कलर कार की तरफ वादी सोन से पहले मेरी हिक कांप टांक रही है दूसरी राम में, गपशप करते हुए, मजे करते हुए डॉक्टर साहब, भाई जाफर साहब वहाँ गए। तो गर्मी थोड़ी बहुत थी, हो चुकी थी, लोग नहा रहे थे, हमारे पास कपड़े थे ही नहीं कि हम जो है ठंडे पानी से नहाएं, मज़ा लें, इंजॉय करें। तो फिर थोड़ी देर ठहरे, लोग तो काफ़ी देर वहाँ ठहरे हुए थे, वो खूबसूरत जगह थी, दिल तो नहीं चाह रहा था वापसी का, लेकिन वक़्त बहुत कम था, जोर की नमाज हमने यहाँ पढ़ी थी मस्जिद में, और फिर आगे भी काफ़ी जगह घूमनी थी, तो हम यहाँ से वापस हुए।